गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हमारे पास जब रेजोनेंस के बहुत स्ट्रक्चर है, बहुत उसके फॉर्म है, आप इस फॉर्म में विच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, हम इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज स्टेबल और विच कैनोनिकल फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। यहां से हम लिखना चाहिए बच्चों, हमें की पॉइंट लिखना चाहिए उसमें। ये स्टेबिलिटी क्या है बच्चों? ये स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये ध्यान में रखो बच्चों। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हम उसमें ऑप्टिक रूल कभी भूलने का नहीं। यह है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिक रूल। ऑप्टिक रूल मतलब जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है वो उसने ऑप्टिक कंप्लीट करना चाहिए। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में लिखना चाहता हूं स्टेबिलिटी, ऑप्टिक रूल। स्टेबिलिटी शोज ऑक्टेट, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं ऑक्टेट रूल। या बच्चों जो ऑक्टेट हमारा रूल शो करने वाला है वो स्ट्रक्चर में क्या है स्टेबिलिटी ज्यादा दिखेगा। हमें मस्ट नेसेसरी द ऑक्टेट इज कंप्लीट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड बच्चों, ये ध्यान रखना। हम थर्ड लिखेंगे बच्चों स्टेबिलिटी है तो हमें ऑक्टेट रूल डिवेट नहीं करना चाहिए, फिर वे हमें ऑक्टेट को कंप्लीट है। बाद में हम लिखेंगे बच्चों स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों? डिस्टेंस है बच्चों। ये कहां पर है ये केसेस, ये सिचुएशन कब है बच्चों? इफ चार्जेस आर प्रेजेंट जब हमारे पास चार्जेस है बच्चों, उसे टाइम में स्टेबिलिटी क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस है बच्चों स्टेबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए। हाँ, इफ हमारे पास चार्जेस मतलब ये जो कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट हम रिपल्सन के लिए यूज करने वाला है, रिपल्सन के लिए हम यूज करने वाले हैं बच्चों, ये हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों। इसमें तो हम क्या करेंगे वो स्ट्रक्चर मोस्ट हम डिटेक्ट करेंगे, उसका हम एग्जांपल लेंगे बच्चों। मेरे पास ऐसा एग्जांपल है, देख लो सी एच थाई से बच्चों से सी एच है और बाद में मेरे पास ये पॉजिटिव है बच्चों, ऐसा है देख लो, डबल बॉन्ड है, सी एच है और ओ है, वो माइ ओ एच है बच्चों। इसमें देख लो हमें क्या है, और इसमें इसका रेजोनेंस मैंने कर दिया तो क्या करने वाला हूँ बच्चों? देख लो इसका लोन पे इधर डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये चार्ज इधर डीलोकलाइज हो जाएगा बच्चों। आप इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ये है सी एच थाइस है बच्चो, ये सी एच है वो निगेटिव है, वो बच्चो क्या है सी एच है वो डबल बॉन्ड है, वो एच है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आप देख लो बच्चों इसमें कौन सा स्ट्रक्चर टेबल है, तो मुझे ये ही स्ट्रक्चर टेबल है बच्चों। इसमें कोई चार्ज नहीं है बच्चों, ये तो इसका ऑप्टेट कंप्लीट है बच्चों, इसका ऑप्टेट कंप्लीट है, फिर उसके ऊपर चार्ज है बच्चों। इसमें हम सोचेंगे तो विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ये है हमारा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हमारा मोस्ट स्टेबल है। हम बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, ऐसा है मेरे पास सी एच ट्वाइस है बच्चों, ये है सी एच है और ये मेरा ओ एच है, ऐसा कुछ आप देख लो। इसमें हम रेजोनेंस करेंगे बच्चों, रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये है सी एच टू, ये माइनस हो जाएगा, ये सी एच है, वो ओ है, वो पॉजिटिव है और ये एच है बच्चों।
आप इसमें देखो सभी का ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है क्या है बच्चों, इसमें चार्ज फिर रियल पक्षक क्या है बच्चों, ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसके आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम बढ़ाई मेरा सी एच ट्वाइस है बच्चों, ये ऐसा है सी एच टू है बच्चों, ओ है और ये एच है, इसमें मुझे कैटोइड ये सी एच टू है बच्चों, ये ओ एंड ये क्या है एच है बच्चों, ये अलखुर के फंक्शन ग्रुप है, आप इसमें मैंने रेजोनेंस कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ऐसा रेजोनेंस कर दिया तो क्या मुझे मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ठीक है बच्चों, आप ये ऐसा हो जाएगा, आप इसमें सी एच टू क्या हो गया है बच्चों, बच्चों नेक्स्ट एग्जाम है मेरा क्या है बच्चों सी एच थाइस है सी एच है बच्चों, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ओ है और एच है बच्चों, इसमें लोन पे है, इसमें लोन पे आप देख लो विच स्ट्रक्चर इज स्टेबल है, इसका हम रेजोनेंस दिखाएंगे बच्चों, ये इधर लोन पे शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच थाइस है सी एच है डबल बॉन्ड है ओ है वो एच है बच्चों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप देख लो बच्चों इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या बच्चों है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोस, इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसने तो कितने बॉन्ड बनाए 6 बॉन्ड है बच्चों, इसके ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके ऑर्बिट में 2, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर बच्चों, ये जो मेरा कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, आप ये वाली सिचुएशन इसको एक चार्ज है बच्चों, आप मुझे क्या लिखना स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इधर तो पाई बॉन्ड नहीं है बच्चों, आप मैं दिखाऊंगा क्या है बच्चों, इधर वैसा है 111 था इधर 11 था, अब स्टेबिलिटी शोज ऑक्टेट रूल हमें विच कंपाउंड में, हमें कंपाउंड में हर एलिमेंट का जानना चाहिए बच्चों, ये ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, जिसका ऑप्टिक कंप्लीट है बच्चों वो तो मोस्ट स्टेबिलिटी शो करेगा, आप देख लो ये इसका ऑप्टिक कम नहीं, ये ऑप्टिक कंप्लीट नहीं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेसिस है, इसका मतलब ये कार्बोकेटन स्टेबल नहीं है, आप इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे बच्चों इसमें है सी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, आप कैसा मैंने सोच लिया बच्चों, ये देख लो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आप देख लो बच्चों इसमें क्या है, इसमें है मेरे पास 1 लोन पेयर है बच्चों, वो 3 बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक क्या है 1 लोन पेयर है, मतलब इसके ऑर्बिट में क्या है बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों, इसका भी डुप्लीकेट क्या है कंप्लीट है, आप मैं जानूंगा विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल बच्चों, ये वाला मोस्ट स्टेबल है का ये वाला है बच्चों, मान लो इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है उधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, आप मैं सोचने वाला हूं बच्चों किस पर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, मैं मानता हूं बच्चों ये कार्बन पर भी पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन ये पॉजिटिव वाला लेने वाला नहीं है, ऑक्सीजन का टेंडेंसी है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करने का, फिर हम स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए बच्चों ऑक्टेट रूल फॉलोअप करना है, ये वाला सब एक कंपाउंड में और एक कंपाउंड तो सेम है बच्चों, फिर भी ये कैनोनिकल फॉर्म है बच्चों, ये कैनोनिकल फॉर्म में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर कार्बन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है बच्चों, इसीलिए मुझे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो रहा है बच्चों, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो रहा है, इसमें हमें ये स्टेबिलिटी किसका है बच्चों, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका स्टेबल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, ये है मेरे पास कि क्या है बच्चों सी एच टू है,
हाँ मेरे पास डबल बॉन्ड है, CH है बच्चों, नाइट्रोजन है, उसको ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन माइनस है, वो पॉजिटिव चार्ज है। आप इसमें सोचने का है वो स्ट्रक्चर, आप क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो जाएगी, ये ऐसा आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ऐसा हो जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ बच्चों, CH2 है, ये CH है, ये N है बच्चों डबल बॉन्ड, और O माइनस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इधर आ रहा है बच्चों। आप देख लो बच्चों इसमें कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। आप इसमें मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेसिस है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इधर हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बच्चों, इधर हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये तो कम स्टेबल है बच्चों। चलो बच्चों हम इसमें देखेंगे, ये है रेजोनेंस में, हम इसमें देखेंगे बच्चों हर आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं देखेंगे, इसका ऑक्टेट है बच्चों कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट है बच्चों वो भी है 6, कितना है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, और हम ये है बच्चों इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ इसमें कौन सा स्टेबल है बच्चों, सोचने वाली बात ये है बच्चों, इधर मेरा पिक पॉइंट है बच्चों, ये तो मुझे ऑक्टेट मिलना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेसिस है, मतलब ये लेस स्टेबल होना चाहिए, और बाद में मुझे ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से बच्चों ये रिपल्शन हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इसमें इंट्रैक्शन हो रही है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेसिस आ गई है बच्चों, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर मेरा तो क्या है स्टेबल ज्यादा है बच्चों। अब मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इसमें हमें फाइंड आउट करने का है तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, हमें ये वन ही स्ट्रक्चर है बच्चों, वन स्ट्रक्चर का हमें कैलोरिकल फॉर्म है बच्चों, सोच लो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब चार कार्बन है बच्चों सब एक कक्षा में, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है। आप इसमें बच्चों क्या दिक्कत आ रही है बच्चों, इसमें चार्जेस आगे मुझे सोचने का है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। आप इसमें हम सोचेंगे बच्चों पाई बॉन्ड सोचेंगे, 1 है इधर 1 है इधर कितने 2 है इधर 2 है बच्चों, हम इधर जिधर पाई बॉन्ड ज्यादा है उसमें भी हमें फर्स्ट सोचना चाहिए, हम पाई बॉन्ड जिधर ज्यादा है बच्चों हम सोचेंगे फर्स्टली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बाद में हम सोचेंगे बच्चों ऑक्टेट रूल, हम बाद में सोचेंगे बच्चों ऑक्टेट रूल सोचेंगे, और बाद में हम सोचेंगे बच्चों थर्ड सोचेंगे, क्या सोचने वाले है चार्ज डिस्टेंस चार्ज सेपरेशन देखेंगे बच्चों, या अनलाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे बच्चों, उसमें अट्रैक्शन क्या होना चाहिए मिनिमम करना चाहिए वो भी स्टेबल हो जाएगा बच्चों। आप इसमें हमें ऐसा है बच्चों, इस हम फर्स्ट ये दोनों हमें बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कितना ज्यादा है बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्ड है वो इसमें स्ट्रक्चर में है और इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ज्यादा है बच्चों, आप इसमें हमें देखना चाहिए। तो ये है बाद में ऑक्टेट रूल, इसमें ऑक्टेट सभी का कंप्लीट हो रहा है बच्चों, इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, आप देखेंगे बच्चों ये ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो रहा है, चार्ज सेपरेशन बच्चों इसमें चार्ज सेपरेशन क्या है बच्चों, इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये राइट एक्शन क्या है बच्चों ये हो जाएगा, इधर है बच्चों ये चार्ज तो बहुत लंबा है वो डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी किसके आनी चाहिए बच्चों, इसमें स्टेबिलिटी सी क्या आनी चाहिए। हाँ मेरा जो आंसर है स्टेबिलिटी का बच्चों सी, हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बाद में मुझे स्टेबिलिटी को जाने का है तो बच्चों इसमें अट्रैक्शन में रहेगा ठीक है बच्चों, और इसमें ये तो निगेटिव चार्ज है मतलब ये भी लोन पेयर है बच्चों, इधर इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है इधर भी निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव ये तो रिपल करेंगे बच्चों, ये रिपल करेंगे मतलब इसमें तो सबसे वीक क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए बच्चों,
ये वाला भी रहना चाहिए। और बच्चों ये तो खत्म हो गया मेरा, बाद में हम सोचेंगे इसके और इसके ऊपर बीच में। ये तो इसका ऑप्टिक कंप्लीट नहीं है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें सभी का ऑप्टिक कंप्लीट हो रहा है बच्चों। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। ये तो सबसे स्टेबल मुझे दिख रहा है बच्चों। मैं इसके बाद मेरा आ जाएगा, ये है डी आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा बच्चों किसका आना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर इधर लोन पेयर, हाँ ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर, इंट्रैक्शन शो हो रहा है। इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका ऑप्टेट कंप्लीट हो रहा है बच्चों, इसका ऑप्टेट कंप्लीट है, इसका ऑप्टेट कंप्लीट है, इसका ऑप्टेट कंप्लीट है। आप देख लो बच्चों, इसमें हमें ये वाला पिक्चर क्या है बच्चों, स्टेबल दिख रहा है, मतलब इसके बाद भी आना चाहिए, ये हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगी बच्चों।